अस्सलाम वालेकुम। रसाई न्यूज़ के साथ मैं हूं अफसाना खान। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान दहशतगर्दी के आलमी मसले से लड़ने के लिए पुरअज़्म है। दुनिया की कोई भी फौज पाक फौज की तरह चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर पाई। पुरअमन और खुशहाल पाकिस्तान का हतमी मकसद हासिल करने के लिए मजीद काम जरूरी है। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का क्वेटा में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में खिताब। पाकिस्तान अफगान तालिबान के सरबरा मुल्ला अख्तर मंसूर की हलाकत की तस्दीक कर दी। मुशीर ख्वाजा सरताज अजीज का कहना है कि लाश अभी तक किसी के हवाले नहीं की गई है। डीएनए मुकम्मल होने तक मुल्ला मंसूर की लाश हवाले नहीं की जाएगी। अमरीका ने तालिबान के नए अमीर को मुज़ाकरात की दावत दे दी। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि मुल्ला हैबतुल्ला के पास मुज़ाकरात के जरिए अमन के क़याम का ऑप्शन मौजूद है। हुकूमत और अपोजिशन की मुश्तरका टीओआर कमेटी का इस्लामाबाद में इजलास। पानामा लीक की कमेटी चार नुकात इब्तदाई पर मुत्तफिक हो गई। कमेटी कल से टीओआर का शिकवार जायजा लेगी। सेनेटर इसहाक डार कहते हैं अपोजिशन ने अपने टीओआर के 15 में से 2 निकात वापस ले लिए हैं। मुकम्मल इत्तेफाक की राय से आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी। एतजाज हसन का कहना है कि खुले दिल के साथ हुकूमत से मुज़ाकरात किए लेकिन हमें हुकूमत की जानिब से ऐसे रवैये से जवाब नहीं मिला। क्वेटा की एहतसाब अदालत ने साबिक मुशीर खजाना बलोचिस्तान मीर खालिद लांगू को 14 रोज के रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। वफाकी वजारत दाखिला ने खालिद लांगू का नाम ECL में डाल दिया। नैप्रा ने अप्रैल के लिए बिजली की कीमतों में 3.94 रुपए फी यूनिट कमी कर दी। सेक्रेटरी पानी और बिजली यूनस झागा का कहना है कि कोशिश है कि जनवरी 2018 तक पाकिस्तान में लोड शेडिंग खत्म हो जाए। 2017 तक शमसी तवनाई के जरिए 1000 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे। सेवन शरीफ में सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत कलंदर लाल शहबाज का सालाना 764वां उर्स की 3 रोजा तकरीबात का आगाज। गवर्नर सिंध डॉक्टर अशरत अलाहाबाद ने कहा है कि सूफिया कराम ने सिंध की धरती पर मोहब्बत और अमन का पैगाम पहुंचाया है। लाल शहबाज कलंदर के पैगाम पर हमें अमल करना चाहिए। बॉलीवुड हसीना प्रियंका चोपड़ा 40 रोज में मुख्तलिफ इश्तिहारात की शूटिंग का 1 अरब रुपए मुआवजा वसूल करेंगी। और पाकिस्तानी ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज के घुटने की तकलीफ से छुटकारा ना पा सके। डॉक्टर्स ने मजीद 1 हफ्ते तक आराम का मशवरा दे दिया। दौरा इंग्लैंड के लिए स्किल्स कैंप में शिरकत मशकूक हो गई है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों की तफसील कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। दुनिया की कोई फौज और दहशतगर्दी के खिलाफ इस कदर नहीं लड़ सकती जैसा पाक फौज ने अकेले किया। क्वेटा में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी आलमी मसला है। जनरल राहील शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी बैन अल-अक़वामी मसला है। पाकिस्तान दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग लड़ने के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन अभी ख़त्म नहीं हुआ। पुरअमन और खुशहाल पाकिस्तान का हतमी मकसद हासिल करने के लिए मजीद काम जरूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि ज़र्ब अज़ब में पाक फौज अमली ऑपरेशन के बाद इंटेलिजेंस और कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रही है। दुनिया की कोई भी फौज पाक फौज की तरह चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर पाई। उन्होंने मजीद कहा कि उन्हें पाक फौज जैसी मुतहरिक फौज की कमांड पर फख्र है।
पानामा लीज की तहकीकात के लिए TOR बनाने वाली पार्लिमानी कमेटी 4 नुकात इब्तदाई पर मुत्तफिक हो गई है, जिसके बाद कमेटी कल TOR का शिकवार जायजा लेगी। सेनेटर इसहाक डार कहते हैं अपोजिशन ने अपने TOR के 15 में से 2 नुकात वापस ले लिए हैं, मुकम्मल इत्तेफाक राय से आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी। एतजाज हसन का कहना है कि खुले दिल के साथ हुकूमत से मुज़ाकरात किए, लेकिन हुकूमत की जानिब से ऐसे रवैये से जवाब नहीं मिला। इस्लामाबाद से उमर बन्ने की रिपोर्ट। इस्लामाबाद में TOR पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें हुकूमत की तरफ से इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक, अनुशा रहमान, अकरम दुरानी और मीर हासिल बजिंजो, जबकि अपोजिशन की तरफ से सेनेट में अपोजिशन लीडर एतजाज अहसन, शाह महमूद कुरैशी, साहबजादा तारिकुल्ला, तारिक बशीर चीमा, इलियास बलोर और बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने शिरकत की। इब्तदा में स्पीकर अयाज सादिक भी मौजूद थे, ताहम बाकायदा कार्रवाई शुरू होने से पहले वो बाहर चले गए। इजलास के बाकायदा आगाज पर अपोजिशन ने हकूमती TOR पर एतराज़ किया। इनका मौकफ था कि जो TOR चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुस्तरद कर चुके हैं, इन पर गौर नहीं हो सकता। इजलास के दौरान कमेटी मुतफक्का तौर पर 4 नुकाती इब्तदाई पर मुत्तफिक हो गई है। कमेटी का आइंदा इजलास कल होगा, जिसमें हकूमत और अपोजिशन के TORs का शिकवार जायजा लिया जाएगा। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसहाक डार ने बताया कि अपोजिशन ने अपने TORs के 15 नुकात में से 2 वापस ले लिए हैं। इजलास में यह भी तय किया गया कि हकूमत और अपोजिशन के TOR का शिकवार जायजा लिया जाएगा और मुकम्मल इत्तफाक राय से आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी। ख्वाजा साद रफीक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंसाफ और कानून के तमाम तकाजों को पूरा किया जाएगा। तो ये दुरुस्त कहा गया है, मैंने सुना अभी अपोजिशन लीडर्स की भी गुफ्तगू को, डार साहब जब बात कर रहे थे आप लोगों से तब भी मैं सामने खड़ा सुन रहा था कि इब्तदाई की हद तक जो है वो हमारा आपस में इत्तफाक हुआ है, होगा इन टोटो, ये दुरुस्त है। ये थोड़े होगा कि एक चीज़ पे इत्तफाक हो जाएगा बाकी चीज़ें हम छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। तो हमें कोई गलतफहमी या कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी। ज़ाहिर है काम बड़ा है, काम लंबा है, और जो 15 सवालात हैं अपोजिशन के TORs पे, अब दूसरे मरहले पर में उस पर गुफ्तगू शुरू हुई। अब गुफ्तगू तो होगी और ज़ाहिर है वो अपने पॉइंट्स को डिफेंड करेंगे, हमें उनमें से जो पॉइंट्स काम के मिलेंगे हम उन्हें मानेंगे, जो नहीं मिलेंगे उनमें नए पॉइंट्स एड ऑन करेंगे। मैं नहीं समझता कि किसी भी तरह का अल्हम्दुलिल्लाह कोई डेडलॉक है, बातचीत भी चल रही है और मुझे यकीन है कि हम इंशाल्लाह एक नतीजा निकाल के उठेंगे। बुनियादी बात यह है, पंच लाइन, कि पाकिस्तान का कोई लॉ ब्रीच नहीं होना चाहिए और जो कवानीन है उनकी पासदारी होनी चाहिए, और अगर किसी ने किसी कानून को तोड़ा है तो उसे पकड़ा जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज अहसन ने कहा कि 4 नुकाती दिबाचा पर इत्तफाक हुआ है, हमने खुले दिल के साथ हकूमत से मुजाकरात किए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमें हकूमत की जानिब से ऐसे रवैये से जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हकूमत की जानिब से पेश किए गए TORs को चीफ जस्टिस मुस्तरद कर चुके हैं और इसलिए इन पर इसरार करना दुरुस्त नहीं। हमें ये बामरे मजबूरी वजाहत करनी पड़ रही है कि पहली बात तो ये है कि हमने बड़े ओपन माइंड और ओपन हार्ट, खुले जहन और खुले दिल के साथ हम बैठे हैं हकूमत के साथ, हमें इस किस्म का रवैया उनकी जानिब से नज़र नहीं आया। हमने फराख दिली से अपना इब्तदाइया तमाम हजफ करके उनके इब्तदाइये के 4 जो पैराग्राफ्स थे उनको हमने मंजूर किया और उस पर हमने इत्तफाक राय किया। उसके बाद जब टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे आए तो हमारा उन मौकफ़ ये है उनके टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे कि वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस उन्होंने हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को भेजे चीफ जस्टिस साहब को, और चीफ जस्टिस साहब ने उनको मुस्तरद कर दिया। सो इसलिए उन पे उनका इसरार करना हमारी निगाह में दुरुस्त नहीं है, लेकिन हकूमती टीम इसरार करती रही अपने TORs पे, बावजूद इसके कि चीफ जस्टिस साहब ने उनके बारे में कहा है कि आपने जो सवालात हमको भेजे हैं उन पे अगर इंक्वायरी शुरू हो जाए तो कई साल लग जाएंगे, क्योंकि दुनिया के सारे
अफराद जो है वो उसमें आते हैं और सिर्फ पैनामा पेपर्स ही नहीं। उन्होंने कहा कि हमें दो सवालों के जवाब मिले हैं और अभी 13 सवाल बाकी हैं। एतजाज अहसन ने कहा कि जिनका पनामा में नाम आया है उनके खिलाफ एहतसाब पर पूरी अपोजिशन का मुकम्मल इत्तफाक है। हमारी तरजीह ये है कि तमाम मामलात में पनामा लीक्स का इशू सबसे पहले आए। एतजाज अहसन ने कहा कि मरियम नवाज शरीफ और हुसैन नवाज शरीफ के नाम भी इसमें शामिल हैं। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हुकूमत वजीर आजम की मुशावरत से 7वें मेंबर को ड्रॉप करेगी। उन्होंने कहा कि अपोजिशन की फराख दिली की वजह से मामलात आगे बढ़ रहे हैं। हम हुकूमत की जानिब से पेश की जाने वाली तजावीज़ को भी सुनेंगे। हमारे 15 सवालात बेमायनी नहीं। हर सवाल के पीछे एक कानून शिकनी पोशीदा है, तभी वो सवाल पैदा हुआ। इसका बुनियादी मरकजी नुक्ता ऑपोजिशन की फराख दिली और नेक नियती से मामलात को आगे बढ़ाना है। अगर हम इसरार करते और एक एक नुक्ते पर बजिद रहते तो जो आज जिस प्रोग्रेस को वो क्लेम कर रही हैं ये प्रोग्रेस आपको दिखाई ना देती। नंबर 3, वो फरमा रहे हैं कि कल शिकवार आगाज़ होगा। नहीं, उनकी इसलाह के लिए अर्ज कर दूँ, आगाज़ हो चुका है। शिकवार आज आगाज़ हो चुका है। उनके TORs पर हमें तहफ़ुज़ात थे और हमने अपने तहफ़ुज़ात इन राइटिंग उनको पेश कर दिए, लेकिन इन द स्पिरिट ऑफ मूविंग फॉरवर्ड हमने कहा फिर भी हम उनके पास कोई नुक्ता है और जो काबिल गौर है हम उस पर शर्माएंगे नहीं, हम इजतनाब नहीं करेंगे, लाइए मेज़ पर रखें, हम बैठकर बात करते हैं। चुनाचे बात का आगाज़ हुआ और प्रीएम्बल पर हमने इत्तफाक़ राय पर हम पहुंचने की हमने कोशिश की और आगे पेशरफ्त हुई। जैसे कि एतजाज़ साहब कह गए हैं, जो हमारे 15 सवालात हैं वो 15 सवालात बेमानी नहीं हैं। उस हर सवाल के पीछे एक कानून शिकनी पोशीदा है। हर सवाल के पीछे पाकिस्तान का एक कानून तोड़ा गया है, तब वो सवाल बना है। अगर कानून ना टूटता तो सवाल जन्म ही ना लेता। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमने TORs में किसी एक मखसूस शख्सियत को निशाना नहीं बनाया, बल्कि सब के साथ यकसा कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। हुकूमत चाहती है कि इतनी गर्द उछले के कुछ दिखाई ना दे। हम इंक्वायरी को नतीजा खेज बनाना चाहते हैं। कैमरामैन सलीम अख्तर के साथ उमर बरनी, रसाई, इस्लामाबाद। स्कॉटलैंड की टीम ने इमरान फारूक कत्ल और मनी लॉन्ड्रिंग केस में तहकीकात मुकम्मल कर ली। JIT के अरकान ने तफ्तीशी टीम को भरपूर मामनत फराहम की है। ज़राए के मुताबिक इमरान फारूक कत्ल और मनी लॉन्ड्रिंग केस में स्कॉटलैंड यार्ड की टीम ने तहकीकात मुकम्मल कर ली है। स्कॉटलैंड के तफ्तीशकारों को JIT के अरकान ने इमरान फारूक कत्ल केस में भरपूर मामनत फराहम की है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी गैर मुल्की टीम को दस्तियाब शवाहिद फराहम किए गए हैं। स्कॉटलैंड की टीम ने भी JIT को इमरान फारूक कत्ल केस में मुकम्मल तावन की यकीन दहानी करा दी। JIT के अरकान को दौरे बरतानिया के दौरान स्कॉटलैंड की जानिब से शवाहिद और दीगर दस्तावेजात फराहम की जाएंगी। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने हकूक नस्ब मुतबादल बिल के इब्तदाई मसविदे पर गौर शुरू कर दिया। मुजवजा बिल के तहत औरत के गैर महरमों के साथ तफरीही दौरों और आजादाना मेल जोल पर पाबंदी होगी। खातून, नर्स, मर्द मरीजों की तीमारदारी भी नहीं कर सकेगी। इस्लाम या कोई और मजहब छोड़ने पर औरत कत्ल नहीं की जाएगी। इस्लामाबाद में मौलाना मोहम्मद खान शेरानी की ज़ेर सदारत इस्लामी नजरियाती कौंसिल का 3 रोज़ा इजलास हुआ, जिसमें हकूक नस्वा मुतबादल बिल के इब्तदाई मसविदे पर गौर किया जा रहा है। कौंसिल मॉडल बिल बनाकर सेनेट, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों को भिजवाएगी। 163 दफात पर मबनी मुजवजा बिल के मुताबिक औरत को शरीयत के फराहम करते तमाम हकूक हासिल होंगे। औरत को ज़बरदस्ती तब्दीली मजहब कराने पर 3 साल सजा होगी। इस्लाम या कोई और मजहब छोड़ने पर औरत कत्ल नहीं की जाएगी। मुआशरती बिगाड़ से मुतलक इश्तहारात में औरत के काम करने पर पाबंदी होगी। तेजाब गर्दी या किसी हादसे से औरत की मौत की मुकम्मल तहकीकात होंगी। औरत से ज़बरदस्ती मुशक्क़त लेने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। ताहम बाशऊर लड़की को कबूल इस्लाम का हक हासिल हो।
اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے رسائی نیوز۔